टीवी में आज हमने एक ऐसी शख्सियत के बारे में प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो रूहानियत में अपना एक अहम मुकाम रखते हैं और लोग उनका सिर्फ दीदार करने के लिए घंटों नहीं, दिनों नहीं, हफ्तों बल्कि सालों भी इंतजार करते हैं और उनका दीदार या उनका फैज़ जिसको हासिल हो जाए वो सदियों की मंजिलें सेकंड में तय कर देता है। उन्हीं के एक मुरीद आज हमारे साथ हैं जिनका नाम है प्रोफेसर असलम खोखर। कॉलमनिस्ट भी हैं, तजियाकार भी हैं और अगर मैं इन्हें सही जगह पहुंचा सकूं तो ये रूहानियात के मुसाफिर भी हैं। हम बात करने जा रहे हैं हज़रत सुल्तान बाहू, दरबार हज़रत सुल्तान बाहू के गद्दी नशीन जनाब साईं नजीब सुल्तान साहब के बारे में। प्रोफेसर साहब आप उनके मुरीद भी हैं, चाहने वाले तो बहुत पुराने थे उनके, लेकिन मुरीदी का फैज़ आपको चंद साल पहले ही हासिल हुआ। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आज मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप उनका मुकाम बताएं, क्योंकि मैं आप या कोई बंदा भी उस मुकाम की निशानदेही करने से कासिर हैं जो उस बंदे को हासिल है। मैं सिर्फ ये चाहूँगा उनके फैज़ की कुछ दास्तान, अपनी बैत होने की दास्तान बोल रहा हमें सुनाए ताकि हम थोड़ा सा अपनी यादें और अपनी जो उनका रूहानियत का फैज़ है उसको ताज़ा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नाम सुनते ही जिसम में एक सरसारी आ जाती है। सरसारी रूहानी तौर पे बंदा मशहूर हो जाता है कि जिनको अल्लाह ने अपने दोस्त कहा, मुझे और आपको उनके दोस्त ना मानने से ना उनको कोई नुकसान हो सकता है, उल्टा हमें हो सकता है। तो औलिया की बात, औलिया का फैज़ जो अल्लाह के दोस्त हों या जिस दोस्त मकाम पे अल्लाह उनको दोस्त बनाता है और जो फैज़ को अता करता है आका बिकम की और आका की आलाद की चौकट के सबके, उनके नालैन मुबारक के सबके, मुझे बड़े फख्र से और बड़े अदब से ये मैं बात करता हूँ कि जो लोग मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे हासदीन, मुखालफीन और शयातीन के पैरोकार कितने लोग थे जिनके मैं मेरा सांस फूल जाए, घंटे गुजर जाए और उनके नाम तक ना। मैं डालवी साहब बड़े फख्र से ये बात करता हूँ कि जिस तरह मैंने अपने किरदार और कलम से उन लोगों का मुकाबला किया या कर रहा हूँ, वो मेरे अजीज़ो कार भी हो सकते हैं, मेरे रोफकार भी हो सकते हैं, वो तादाद बहुत ज़्यादा है। और उनका आखिरी हमला ये था कि मेरा रोज़गार छीना उन्होंने और उसके बाद भी मैं कायम दायम था और अपने उस तर्ज तहरीर पे और अपने किरदार की जो अल्लाह ने मुझे तौफीक बख्शी उसकी अजमत को मैंने रुसवा ना होने दिया। फिर उन सब लोगों ने मिल के उनमें, चूँकि जो एक दुश्मन, एक ही दुश्मन गिर्द जो चारों तरफ से जो लोग हमले कर रहे हों तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो आखिरी हमला उनका जो कारगर हुआ, आर्जी तौर पर कारगर हुआ, वो ये था कि मैं 11 दिसंबर 2015 की बात है, जब सुबह की फजर की नमाज अदा करने के बाद मैं बर्फबारी हो चुकी थी और शहर पे निकला और मैं स्लिप हुआ। वो ऐसी जगह से स्लिप हुआ जहां मुझे मिनट मैंने गिने होते हैं कि यहां तक मैं कितने मिनटों में पहुंचूंगा और यहां पे मोड़ कितने हैं, सारी तो मैं रोज़ाना वहाँ करता था। तो वहाँ पर मैं गिरा और वो गिरना गैर मामूली था। मेरे दोनों पाँव, ये कालों में मैं अपनी तहरीर में मुतअद्दिद बार ये इजहार कर चुका हूँ, दोनों मेरे पाँव ऐसे जैसे ज़मीन से किसी ने उठा दिए। तो मैंने ऐसे गिरता सीन जैसे पाँव उठाए गए थे, तो ये मेरे दिमाग पे चोट आ सकती थी, कमर जा सकती थी और ज़िंदगी का भी खात्मा हो सकता था। लेकिन मैंने कॉलम में लिखा कि मेरा हवा में किसी ने रुख बदला और मैं दाएं तरफ गया और ये कोनी जो है वो ज़मीन पे लगी, इसको किरचियाँ किरचियाँ और जाना चाहिए था लेकिन बाजू यहाँ से फ्रैक्चर हुआ। और मैं
चार से पांच माह कोई ऐसा डॉक्टर हॉस्पिटल या हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, सरकारी नीम सरकारी या प्राइवेट, जहां पे इलाज ना करवाया हो, ये बाजू ठीक नहीं हो रहा था। तो मेरे एक उस्ताद मोहतरम जो गोजरा में मेरी रूहानियत की परवरिश करने वाले या तरबियत करने वाले, वो पहले उस्ताद हैं जो मुझे सीढ़ी की तरफ, इस जीने की तरफ लेके गए। उन्होंने मुझे कहा कि आपको जो तकलीफ है ना, उसका इलाज दरबार सुल्तान बाहू की तहरीज पे। और फिर मैं मजबूर होके, यानी रात को ऑपरेशन होना और डॉक्टर ने सुबह बताना, बेहोश भी हो जाता था, ऑपरेशन ही नहीं हो रहा, दो नहीं तीन बार ऐसा हुआ। और फिर आखिरकार मैं वहाँ पे चला गया, मैंने जाके दरबार शरीफ पे अल्लाह के नेक लोगों की वसातत से अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तू सुनता है, तेरे ये दो सुनते हैं, तो मैं इनकी वसातत से मैं यहाँ पे दस बस्ता अर्ज करता हूँ कि मुझे नजीब सुल्तान साहब की जो है वो मुरीदी नसीब फरमा दे, वो मुझे कबूल कर ले बैत को। और फिर ऐसा सबब बना, मैं हैरान हुआ बल्कि परेशान हुआ कि अचानक कैसे मुझे बुलावा आ गया। और सरकार के पास तो मोबाइल ही नहीं है, ये दुनिया के पहले और गालबन आखिरी पीर है जिनके पास ये मोबाइल और ये नेट और ये सारा सिलसिला नहीं, लेकिन दुनिया का हर रब्ता उनके पाँव के नीचे। तो मैं वहाँ गया और सबसे पहला मैं शख्स था जिन्होंने मुझे देख के कहा, इतना प्लस्तर मेरे चढ़ा हुआ था कि कहते ये क्या हुआ। मैंने कहा जनाब आपसे इतनी लंबी दास्तान है, आपसे कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, घर में भी और सब मेरी चारों तरफ परेशानियाँ हैं, तो आपने मुझे बैत के लिए उनकी मेहरबानी है। और मैं जब बैत हुआ तो मुझे सरकार ने, ये मैं पहला शख्स हूँ बहुत से लोगों में से जिन्होंने हाथ में हाथ सरकार के डाल के बैत किया, वो टूटा हुआ हाथ मुझे मेरी उन्होंने दस्तगीरी की। और उसके बाद जितने भी ये हासदीन थे, मुनाफिकीन थे या शैतान के पैरोकार थे, जो काले इल्म के जादू के टूने के वार करते हैं, हसद करते हैं, किसी को खुश नहीं देख सकते, किसी को साहब किरदार नहीं देख सकते, रिश्तेदारों में कोई, यानी ये दुनियावी बात है नहीं सारी। तो उसके बाद जितने भी तीर और तलवारें थीं, वो कोई वार उनका उसके बाद कारगर नहीं हुआ। मैं ये पूरे यकीन और पूरे वसूख से बात बता रहा हूँ, महसूस होता है कि अब किसी ने ये हरकत की है, अब तो सरकार के फैज का ये आलम है। मैं कई दफ़ा जब कई साल गुजर जाते हैं, सरकार की ज्यारत नहीं हो पाती, मुलाकात नहीं हो पाती, तो यकीन जानिए मुझे ख्वाब में सरकार मिलते हैं, मेरी सारी बात सुनते हैं और मुझे तसल्ली और दिलासा देते हैं। और कई ऐसी चीज़ें मुझे उन्होंने ख्वाब में अनायत की जो मुलाकात में ना मिल सके। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा पीर जो मुरीद की जेब की बजाय उसकी अंदर को देखता है, और मुझे उन्होंने सूरह मुज़म्मिल पढ़ने का सबसे पहला यानी इकराम और इनाम ये किया, कलमा तैयबा और दुरूद पाक तो उन्होंने दिए ही कि हर नमाज के बाद और पांच वक्त की नमाज शरी अमाल वो दिए, और उसके अलावा जो सरकार ने अनायत की वो सूरह मुज़म्मिल थी। और सूरह मुज़म्मिल ये है जो इंसान को के अंदर और बातिन को, जाहिर को और बातिन को साफ और शफाफ और आईने की तरह कर देती है। जैसे जैसे मैं पढ़ता था, उस कलाम की जो अजली और अब्दी उसकी ताकत है, उसकी जो तासीर है, उससे मुझे ऐसा लगता था कि मुझे वो जिन लोगों ने हमले और जिन्होंने ये जो हरकतें की थी, हो सकता है उनको याद हूँ लेकिन मुझे याद नहीं। मुझे उसके अल्लाह के इस नेक बंदे और इस परगजीदा हस्ती की वजह से मुझे अल्लाह का जो जिक्र मिल गया, अल्लाह का फिक्र मिल गया। और यकीन जानिए जिस दिन मस्जिद में नमाज ना अदा हो पाए, उस दिन ये रंज होता है। इतना रंज किसी कारखानेदार को हो सकता है कि उसकी कारखाने को या फैक्ट्री को आग लगने के बाद ना होता हो, जितना मुझे होता है कि मैं आज मस्जिद में हाजिर नहीं हुआ। ऐ अल्लाह मुझसे क्या गलती हुई है, मैं तेरे, मुझे अपने दर पे नहीं आने दिया आपने, मुझसे ही कोई गलती हुई है और मुझे माफ़ फरमा देना। तो ये इंसान को जो रकीकुल कल्ब करना, ये इंसान के अंदर जो रिक्कत है, इंसान को ऐसा जो कहते हैं ना मोमन की जो सारी सिफात हैं उनकी एक सिफ्त भी इंसान को नसीब हो जाए, तो ऐसे मुर्शद के जो नहीं बैत हुए, मैं उनको खुशखबरी देता हूँ कि आप एक दफ़ा
उनका दस्ते शफकत छू के देखें, उनकी एक ज़ियारत करके देखें, जो वाहिद पीर है जो पैसे नहीं मांगता, जो आपसे तोहफा नहीं मांगता, जो नजर न्याज नहीं मांगता, वो पीर पीर ही नहीं है जो मुरीद की जेबें ना भरे, मुरीद का अंदर ना भरे और मुरीद का बाहर ना भरे, यानी दीन और दुनिया दोनों की झोलियां जो ना भरे वो पीर नहीं है। और जिस पीर की आप दस्तगिरी के फैजियाब होते हैं वो अगर अल्लाह की तरफ आपको लेके में आए। प्रोफेसर को अगर इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूँ जी जी कि हज़रत सुल्तान बाहू ने पीर की जो निशानी बताई थी कि वो पीर नहीं है जो आपको पहली मुलाकात में हजूर सल्लम की कचहरी में ना पहुंचा दे। सुभान अल्लाह। अब वो कचहरी देखने के लिए एक आपके घर पर मेहमान आता है, आप उसके लिए अपने घर को साफ करते हैं, उसके लिए पेंट करते हैं घर को, हर चीज़ बर्तन साफ करते हैं, तो आप वो मेहमान इंसान है, कोई अल्लाह का फरिश्ता नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई पैगंबर नहीं, आप उसके लिए ये कुछ करते हैं, तो अगर आपको हजूर सल्लम की कचहरी में जाना मतलूब है तो फिर आप अपनी रूह तक को साफ करके लेके जाए। सुभान अल्लाह। उसका इल्ज़ाम आप हजरत साईं नजीब सुल्तान या हजरत सुल्तान बाहू पे नहीं दे सकते कि मैं कचहरी में नहीं पहुंचा। अपने आप को देखें, अपने दिल को देखें, अपने जहन को देखें, दिल की मैल धोएं कि क्या उसमें वो हस्तियां समा सकती हैं, वो हस्तियां आ सकती हैं। सुभान अल्लाह। अगर आपको अपना जवाब सही मिले तो वो हस्तियां भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। इंशाल्लाह जी। प्रोफेसर जी, मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे पीरो मुर्शद ने, पहले मुर्शद जिन्होंने ये कहा कि हमें मुर्शद ना कहा करें, पूरी कायनात का मुर्शद एक ही है, वो आका नबी की सल्लम है। कोई ऐसा पीर है जो अपने आप को मुर्शद कहने से बाज करे? और वो जो शेर था सुल्तानुल आरिफीन का कि मुर्शद दा दीदार मैनू लख करोड़ां हज्जां हूं, उस दिन मुझे समझ में आया जो लोग अपने मुर्शद के लिए ये शेर मंसूब करते हैं बहुत बड़ी ज्यादती करते हैं। ठीक है, मुर्शद बर्ताव है, मुर्शद की झलक है आका नबी सल्लम के फैज की, लेकिन ये शेर सुल्तानुल आरिफीन ने आका नबी सल्लम के बारे में कहा और इसको बाकी किसी और कोई शख्स उस रुतबे पे नहीं, इस काबिल नहीं है कि आप तशबीह दें। तशबीह के लिए वो सिफ्त का होना जरूरी है। सब आपका बयान इतना रूह को छूने वाला है कि मेरे ये जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। जज़ाकअल्लाह। ये चीज़ें सुन के कि अपने आप को सोच के कि हम कितने गुनाहगार हैं, अल्लाह हमें नसीब करे, नाज़रीन को भी और हर मुसलमान को ये तौफीक दे कि वो उस मंजिल तक पहुँच जाए जहाँ उनकी कचहरी में हाजिर होती है। सुभान अल्लाह। आमीन। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह हम आपको आइंदा भी जानकारी देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।